भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का काफी ज्यादा घातक विस्फोटक मुकाबला। यहां पर कप्तान रोहित शर्मा, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। जो आज तक क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और कपिल देव नगर पाए, वो घातक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिखाया। T20 वर्ल्ड कप 2024 के इस मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ वार्म मुकाबले में इतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि पाकिस्तान के गेंदबाज से लेकर के कप्तान बाबर आजम यहां पर रोते विलखते नजर आए। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल डाली। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाने वाला बल्लेबाज यानी कि रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को धोने में। सब कुछ आपको शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 के वार्म अप मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जहां पर हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल और हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और 3 आसमानी गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। तो वहीं 21 साल का होनहार बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाला था। एसएसवी जायसवाल ने अपने बल्ले को लहराते हुए तूफानी विस्फोटक अंदाज में दूसरे ओवर में 2 चौके और 2 शानदार छक्के ठोक दिए। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को जम करके धो रहे थे। इनकी बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम काफी ज्यादा चिंतित में पड़ गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हो। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 4 ओवर के 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। यहां पर पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम ने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा को आउट करने के लिए। लेकिन हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को धूल चटा रहे थे। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम को सबसे बड़ा यहां पर झटका जब लगा, तो भारतीय टीम के घातक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल आउट हुए। लेकिन जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए लेकिन यहां पर ज्यादा देर तक पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए। हार्दिक पांड्या 8वें ओवर की 4th बॉल पर 32 रन बनाने के बाद आउट हो गए। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए घातक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था विराट कोहली। विराट कोहली वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। लेकिन विराट कोहली भी ज्यादा देर तक इस बार टिक नहीं पाए और महज 35 रन ठोक करके 11वें ओवर के 6th बॉल पर ये भी आउट हो गए। भारतीय टीम के 2 घातक खूंखार विस्फोटक जब गिरे तो मैदान पर शिवम दुबे का तूफान देखने को मिला। शिवम दुबे एक काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। शिवम दुबे को CSK की तरफ से घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की इन्होंने IPL में और यहां पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया में शिवम दुबे को शामिल किया था, क्योंकि शिवम दुबे काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जिन्होंने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर काफी देर तक कहर बरसाया। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। जब शिवम दुबे 12वें ओवर की 4th बॉल पर 32 रन ठोक करके आउट हुए तो मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था सूर्य कुमार यादव। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है, जिसने मैदान पर आते ही छक्के चौके और चौके छक्के ठोकने शुरू कर दिए और पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूर्य अगर जब तक पिच पर मैदान पर है समझ लीजिए कि मुकाबला आपके हाथों में है। सूर्य का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। इस बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से 14वें ओवर के 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा दोनों बल्लेबाज मिलकर के तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर भारतीय टीम को यहां पर काफी बड़ा झटका लग गया जब भारतीय टीम के घातक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आउट हुए। लेकिन सूर्य कुमार यादव 200 से ज्यादा रन ठोक चुके थे। सूर्य के आउट होने के बाद मैदान पर विकेट कीपर संजू सैमसन बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। संजू सैमसन काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज थे लेकिन 8 रन बनाने के बाद संजू सैमसन भी 16वें ओवर की 4th बॉल पर आउट हो गए। संजू सैमसन के आउट होने के बाद यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। रिंकू सिंह वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह को दूसरा महेंद्र सिंह धोनी कहा जाता है। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी ने मैदान पर इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम के होश ही उड़ गए। रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। यहां पर पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम हैरानियत में पड़ गए। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर सभी के सभी खिलाड़ी हैरान थे। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान के होश उड़ गए। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से शतकीय
की पारी खेल डाली, जहां पर पाकिस्तान के गेंदबाज और कप्तान बाबर आजम इनके सामने पानी भरते नजर आए। लेकिन जब भारतीय टीम ने पहाड़ सा लक्ष्य खड़ा कर दिया भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम के सामने रनों का, तो जब पाकिस्तान की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो जसप्रीत बुमराह, यॉर्कर बादशाह, रविंद्र जडेजा, तूफानी विस्फोटक गेंदबाज कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने तूफानी विस्फोटक कटीली गेंदबाजी से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी से 18 ओवर तक ही पूरी भारत पाकिस्तान की टीम को समेट लिया, जहां पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से जीत लिया। भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच अगला वार्म अप मुकाबला था रियल मुकाबला 9 जून को खेला जाएगा। आप लोग इस तरह से दुआएं कामनाएं बना रहे कि हमारी भारतीय टीम जीते। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।